हेलो व्यूअर्स, दिस इज मंजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग विली राइड बेटर। सो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यामाहा की जो एफजेड की जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आई है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे यूज करते हैं। सो जो लोग जानते हैं इसको इग्नोर करें इस वीडियो को, और जो लोग नहीं जानते ये वीडियो उनके लिए है। और एक और चीज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज, कोई भी फी वगैरह नहीं लगता है। और इस वीडियो में जो यामाहा के जो सेल्स के हैं संजीत जी, जो कि फ्रेंड है, वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मुझे भी फर्स्ट टाइम था, मैं उतना नहीं जानता था। सो उन्होंने एक्सप्लेन किया। अगर उनसे कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आता है तो आप उनके मैनेजर से भी, या फिर उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या कुछ खास देखते हैं आज। सो फ्रेंड्स, इस फीचर को यूज करने के लिए आपके पास एक एंड्रॉयड फोन होना जरूरी है। उसके बाद आप प्ले स्टोर जाएंगे, वहां यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट एक्स करके डालेंगे, वहां जो एप्लीकेशन होगा उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। एक्चुअली ये मेरे मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि जिसके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होता है उसके मोबाइल में इसको इंस्टॉल करना होता है। तो जिनका जो बाइक था उन्होंने अपने मोबाइल में रजिस्टर्ड पहले से कर रखा था। सो उनके मोबाइल में ही सारा एप्लीकेशन आया है, और फिर उन्होंने ही जो भी अपना लॉग या फिर जो भी अपना जो फीचर है उसमें ही दिखाया गया है। सो फ्रेंड्स, आपका जो भी मोबाइल नंबर जो आप एजेंसी में दिए हैं उस मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर्ड होता है। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या है एप्लीकेशन। वाई कनेक्ट एक्स ना प्ले स्टोर से लोड करना पड़ता है, ठीक है। इसको रजिस्टर कैसे करते हैं? यहाँ पड़ेगा, वहीं पे चेसिस नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। चेसिस नंबर ना, हाँ। ओके ओके, डालने के बाद स्किप करते हैं। हाँ, अलाउ, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्लूटूथ आएगा। एक सेकंड, इसके मतलब कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर बारकोड मांगता है। अच्छा, बारकोड कहाँ से निकालता है? जो कि सीट के नीचे होता है। सीट के नीचे ना जी, इसको यहाँ से खोलना पड़ेगा, ठीक है। खोल करके इसको स्कैन करते हैं यहाँ से। ये रहा बारकोड, यहाँ लगा रहता है, स्कैन करने। ठीक है, कंफर्म के बाद फिर ओटीपी आएगा। ओटीपी मोबाइल पे जिस नंबर से आप रजिस्टर किए, नंबर से रजिस्ट्रेशन किया उसका ओटीपी आएगा, ठीक। सो जिस नंबर पे आप रजिस्टर किए हैं जो भी बाइक, उस पर ओटीपी वगैरह आती है, जैसे कि आगे देख सकते हैं, ठीक है। ओटीपी आने के बाद सिंपली आपको इंटर करना है ओटीपी और वेरीफाई करना है, फिर उसको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। बाइक राइड सक्सेसफुली, ओके ओके। अब आपका पेज खुल जाएगा ना, हाँ, होम पेज। होम पेज, ये कोई लोकेशन वगैरह जीपीएस भी ऑन करना पड़ता है? हाँ, नहीं, यहाँ पर राइडिंग हिस्ट्री में जाएंगे ना होम पेज पे, जी जी, यहाँ सारा कुछ बताता है आपका। अच्छा अच्छा, तो होम पहले कीजिए, ठीक है। और एक सेकंड वेट कीजिएगा थोड़ा सा। सो गाइज, ये है यामाहा की न्यू BS6 FG। पहले सबसे पहले चेसिस नंबर डालना होता है, फिर उसके बाद उसको स्कैन करके और आपका जो है वो प्रोसेस हो जाता है। सो कैसे करते हैं, थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा होगा, नॉइज थोड़ा सा, सो उसके लिए सॉरी। लेकिन यही है बाइक, देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की है। सो अब इसमें क्या क्या और भी फीचर्स है उसको लाइव देखते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, जैसे कि क्या है ना, कि जब आपका बाइक जब कनेक्ट हो जाता है तो ये जो डबल इंडिकेटर है इसमें आपको इंडिकेशन मिल जाती है। उसके बाद ये जो है आपको होम जैसा देख रहे हैं, इसमें होम पे आ जाता है। और इसमें लगभग 4 या 5 फीचर है। क्या क्या फीचर है? 4 है। एक तो है, पहला आपका फर्स्ट आपका है आंसर बैक। जैसे कि होता है कि जैसे आप गाड़ी कहीं आप लार्ज मतलब मॉल वगैरह में गए या किसी भी बाइक पार्किंग में गए, तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी होती है, तो आपको अपना गाड़ी लोकेट करने के लिए, तो मतलब कि मेरा गाड़ी कहाँ है, तो अपने मोबाइल के आंसर बैक के द्वारा अपने गाड़ी का लोकेट कर सकते हैं। जहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब गाड़ी में आपका जैसे अपना ऐप्स खोल के होम पेज पे बाइक कनेक्ट करके ब्लूटूथ से, जैसे उस ऐप्स को हम आंसर बैक पे बटन दबाते हैं
तो हमारा बाइक कहाँ है, तो हमारे ब्लूटूथ के जितने भी रेंज में वहाँ पे आपको बाइक लोकेट, आपको तुरंत इंडिकेट सायरन बजने लगेगी आपके गाड़ी में और चारों इंडिकेट इंडिकेट करने लगेगी। ओके, सो संजीत जी पहले आप जो आंसर बैक है उसका फीचर एक बार करके दिखा दीजिए लाइव। जैसे कि मैंने लाइव करके बता रहा, जैसे कि ये मैंने ऐप्स को खोला, मेरी गाड़ी कहाँ है, ये सपोर्ट डैट देखिए मेरे पास चाबी भी है, चाबी मैंने अपने हाथ में रखी, ठीक है, सपोर्ट डैट मैंने मॉल में निकला, उसके बाद मैंने चाबी अपने हाथ में रखा और मुझे पता नहीं कि मैं अपना गाड़ी कहाँ पे रखा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने आंसर बैग से अपने गाड़ी को अपने ऐप्स के द्वारा, ये ब्लूटूथ नया फीचर्स जो टेक्नोलॉजी आया है उसके अनुसार मैं अपने ऐप्स को लॉगिन करके आंसर बैग पे, तो क्योंकि मेरे गाड़ी में सायरन आवाज पे, इससे मेरा होगा कि मुझे आसपास की रेंज में मेरी गाड़ी में सायरन जो बजेगी मुझे अपना गाड़ी का कहाँ लोकेट है वो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स इसमें जो दूसरा फीचर है वो है आपको लोकेट माय बाइक। जैसे कि गाड़ी में इसमें क्या होगा कि इसमें आपका चार इंडिकेटर आपको लोकेट करेगा। अच्छा अच्छा, चारों इंडिकेटर तब तक जलते रहेगा जब तक आपका लोकेट होते रहेगा। तो ये चारों इंडिकेटर जब तक जलती रहेगी जब तक आप उसको जा करके ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है, नेक्स्ट फीचर जो है सबसे ज्यादा ई लॉक सेटिंग सिस्टम इसमें दिया हुआ है, जिससे कि कस्टमर लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इससे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गाड़ी बहुत सारी चोरी हो जाती है, हर एक गाड़ी का मास्टर की निकला हुआ है मार्केट में, तो ई लॉक सेटिंग से आप अपने अपने बाइक को अपने अनुसार उसका लॉक जो है आप पासवर्ड के द्वारा उसमें आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें चार आई थिंक है ना अलग अलग मोड, इसमें चार तरह के अलग अलग मोड है, वो तो मैं वो अपने अनुसार आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक बता दीजिए। हाँ, जैसे कि मैंने इसमें सेट किया तीन बार लेफ्ट एक बार राइट, ये इंडिकेटर सिस्टम जो इसमें पासवर्ड लॉकिंग सिस्टम है, ये इंडिकेटर के द्वारा आपको कितना बार राइट कितना बार लेफ्ट लेना है वो अपने अनुसार अपने पासवर्ड में देख कर ये अपने बाइक का लॉक सिस्टम लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि सपोज अपना चाबी भी गाड़ी में अगर छोड़ देते हैं लेकिन आप पासवर्ड ब्लूटूथ ऑन करके अपना इंडिकेट पासवर्ड ई लॉक सेटिंग अपना किए हुए हैं, तो इससे क्या होता है कि मतलब आपका गाड़ी कोई लेकर नहीं जा सकता है। अच्छा अच्छा, वो आदमी कोई अदर पर्सन उस गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाएगा उस गाड़ी को, ठीक है, तो ई लॉक पासवर्ड सेटिंग से हमारा सिस्टम ये सुविधा हुआ कि मैं हमारा गाड़ी चोरी नहीं होगा, ये तरह से मेरा गाड़ी सेफ हो। तो जैसे अगर ई लॉक जैसे हम करते हैं तो इसमें क्या है कि जैसे आपको हैंडल में फिर से की लगा के लॉक करके जाना होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली लॉक, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकली वो लॉक हो जाएगा। और हैंडल मूव करेगा या नहीं करेगा उस दौरान, हैंडल मूव के अनुसार जैसे कि हम गाड़ी अपना कोई पार्किंग में लगाए, ठीक है जैसे हम लॉक कर देते हैं ना पार्किंग, ये देखिए गाड़ी को हम इसे लॉक कर दें, जी ठीक है, ये लॉक हो गया, तो ये तो हम लॉक कर दें, सपोज दैट कोई अदर पर्सन आया इसी का डुप्लीकेट चाबी लेकर, ठीक है, तो ये लॉक से तो इसे तो खोल लिया, गाड़ी भी ऑन कर लिया लेकिन वो इसको स्टार्ट नहीं कर पाएगा। आप देखिए जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था कि जैसे कि मैंने अपनी ये गाड़ी से ये चाबी से हैंडल लॉक कर दिया, सपोज दैट अदर पर्सन यही चाबी लेकर आता है और सोचेगा कि ये गाड़ी को मैं स्टार्ट करके ये चला सकता हूँ। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लीजिए इसको जैसे अगर आप लॉक तो कर दिए तो ये तो हो गया आपकी चाबी द्वारा लॉक हो गया, ये मूव नहीं हुआ। अब मान लीजिए हम चाबी से लॉक नहीं करते हैं, अच्छा जी, एक और भी मतलब चाबी से लॉक नहीं है, उसके बाद अगर हम उससे सिर्फ लॉक करते हैं तो क्या कोई गाड़ी ले जा सकता है क्या? कोई नहीं ले जा सकते, जैसे देखिए ये मैंने लॉक खोल दिया, ठीक है, अगर चाह कर भी हम इस गाड़ी का ऑनर नहीं है, ठीक, पासवर्ड सिर्फ जो ऑनर है उनको पता है ये गाड़ी लॉक है, ठीक है, इसको हम नहीं खोल सकते, भले इस गाड़ी का इग्निशन मैंने ऑन कर दिया, लाइट भी सब कर दिया, ये गाड़ी को मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊँ, ठीक है, कभी नहीं कर पाऊँ। तो चलिए वो करके दिखाइए एक बार, सपोज डैट मैं देखूंगा मैं एज ए ऑनर वो पूरा प्रयास करेगा वो गाड़ी लेकर नहीं जा सकता, ठीक है, तो मैं अपने ब्लूटूथ अपना निकाला, तो मुझे ये गाड़ी स्टार्ट करने के लिए मेरा अपना मोबाइल में पासवर्ड दिया हुआ, ठीक है, ये मैंने अपनी इच्छा अनुसार मैंने इसमें पासवर्ड कुछ चेंज किया, ठीक है, तो मेरा इंडिविजुअली उसमें अपना पासवर्ड जो रहेगा मैं क्या इसमें कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट या लेफ्ट राइट जो भी हो वो मैं, अब देखिए मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है, देखिए ये इंडिकेटर लॉकिंग सिस्टम इसमें दिया, ठीक, इसमें ये मैंने कर दिया, वो जो आप इंडी एक सेकंड ऑफ कीजिएगा,
आप जो अभी इंडिकेटर लॉकिंग सिस्टम किए हैं तो क्या क्या किए हैं इसमें, जैसे कितना जो मैंने अपने मोबाइल में जो पासवर्ड सेव किया था वो मैंने कर सके, वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ ना। ठीक है आप बताइए, नहीं लेकिन एक होता है ना जैसे आपने फिर वो पासवर्ड तो आप चेंज कर, लेकिन एक ऑप्शन होगा पासवर्ड मुझे नहीं चाहिए, जैसे कि ये पासवर्ड जैसे ठीक है मतलब लेकिन को पता चल गया अदरवाइज किसी को ठीक ठीक तो ये मैं पासवर्ड अपने फिर से चेंज, तो वो इंडिकेटर से सिर्फ सेट होगा, वो इंडिकेटर से ही सेटिंग हो सकता है। अच्छा अच्छा, तो वो जितना आप इंडिकेटर को आगे पीछे जैसे कर जैसा अनुसार है कितना बार आपको करना है 10 आप ठीक अच्छा वो करके इसको ऑन कर देना है, उसमें अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करके फिर डिस्कनेक्ट कर देना है गाड़ी में। और एक और चीज, जब भी हमें मतलब इसको ऑन करना हो तो ब्लूटूथ ऑन ही रहना चाहिए तभी काम करेगा। अगर ये जैसे हम ब्लूटूथ जैसे बाइक कनेक्ट करते हैं हाँ ठीक है, तो हमारा ये लॉकिंग सिस्टम ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, जैसे हम ये ब्लूटूथ बाइक से कनेक्ट होता है ये हमारा जो लॉकिंग सिस्टम है जो ई लॉक सेटिंग जो पासवर्ड सिस्टम है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा पूरी तरह से। ओके, वो फिर वन पुश में स्टार्टर सिस्टम हो जाएगा, मतलब गाड़ी लगाए एक सेल पे लिए गाड़ी स्टार्ट, एक नॉर्मल आज से पहले जितने भी सारे टू व्हीलर सेक्टर में जो चलती थी। ठीक है, तो संजीत जी इसका जो लास्ट फीचर है वो बता दीजिए। वो लास्ट फीचर्स तो वो इंडिकेट करता है मतलब कि साढ़े हजार जो मतलब सारे सेंसर वगैरह जो है ना उसी के बारे में होगा, वो सेंसर को अपना कोई ज्यादा भूमिका है नहीं, लेकिन इसमें सबसे ब्लूटूथ वाली बेस्ट ऑप्शन आपको है, आपको एंसर बैक मिलेगा, दूसरा जो भी है ई लॉक पासवर्ड सिस्टम, ये दो ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि है आप देख सकते हैं FG जो है BS6 इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स है कैसे करते हैं आपको लाइव बता दिया गया है, आप वीडियो चेक करें। और ये हमारे संजीव जी हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इधर हमारे अमित जी हैं, अमित जी ना गणेश सो ये लीला मोटर्स के जो दो स्टाफ हैं, आप चाहे तो आए, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये संजीव जी हैं, ये फ्रेंड है हमारे, इनसे या तो मिल सकते हैं या फिर ये गणेश जी हैं, दोनों लोग से किसी से भी आप मिल सकते हैं। तो ये फीचर अगर आपको समझ में ना आए तो आप पटना से अगर हैं बिहार से हैं तो यहाँ पे आप आकर के बात भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कॉल पे भी इनसे बात कर सकते हैं, इनका नंबर वगैरह जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आप जान पाए कैसा है इलेक्ट्रॉनिक फीचर, आपको कैसा लगता है ये आप हमें यूज करके जरूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।